दोस्तों हांगकांग टीम के खिलाफ भारतीय टीम के 40 रन की शानदार जीत के बाद एशिया कप 2022 का पूरा पॉइंट टेबल बदल गया है। भारत बनाम हांगकांग के बीच दुबई स्टेडियम में चौथा T20 मुकाबला खेला गया। रोहित शर्मा की टीम टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 192 रन बनाए और हांगकांग को जीत के लिए 193 रन का टारगेट दिया। भारत की ओर से ओपनिंग बल्लेबाज केएल राहुल और रोहित शर्मा कुछ कमाल नहीं दिखा पाए, लेकिन इसके बावजूद विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव ने तूफानी 68 की पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी हांगकांग की टीम 152 रन पर सिमट गई। इस तरह 193 रन के जवाब में हांगकांग की टीम 40 रन से मैच हार गई। भारतीय टीम इस जीत के बाद सुपर फोर में प्रवेश करने वाली दूसरी टीम बन गई है। दोस्तों इस मुकाबले के बाद दोनों ग्रुप ए ग्रुप बी के पॉइंट टेबल में बड़ा फेरबदल हुआ है। ग्रुप ए में भारतीय टीम 2 पॉइंट लेकर टॉप पर है, वहीं पाकिस्तान की टीम 1 हार के साथ दूसरे नंबर पर है और हांगकांग की टीम तीसरे पायदान पर है। अगर ग्रुप बी की बात किया जाए तो अफगानिस्तान की टीम 2 मैच खेलकर दोनों मैच जीतकर पहले पायदान पर बनी हुई, वहीं दूसरे नंबर पर श्रीलंका की टीम है, तीसरे नंबर पर बांग्लादेश की टीम है। दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम के फैन हैं तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।